वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। वंस अगेन यू आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। एंड टुडेज टॉपिक इज वर्ड पावर 18। आज का टॉपिक है और आज के जो वर्ड्स हैं आप लोग नोट कर लें, लिख लें। फर्स्ट वर्ड क्लैंडेस्टाइन, क्लेमेंसी, क्लीशे, क्लीक, कोलेस, कोअर्स, कोजेंट, कॉग्निटिव, कॉग्निजेंट और कोहेरेंट। और जैसा कि अब तो आपको पता हो गया होगा कैसे पढ़ना है, बस हमें इन सारे वर्ड्स में रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इसको ढूंढना है। प्लस अगर हमें इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसकी निमोनिक बना लेनी है, माइंड मैपिंग कर लेनी है। दूसरा क्या करना है, हमें इन वर्ड्स का पार्स ऑफ स्पीच क्या है उसको देखना है और इनको सेंटेंस में यूज करना है। क्योंकि अगर हमें यूज करना आ जाता है तो समझ आइएगा इंग्लिश लैंग्वेज में आपने अपना आधा काम कर लिया। तो देखते हैं आपका पहला वर्ड क्लैंडेस्टाइन। बच्चों, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है रहस्यमयी। इसे कह सकते हैं स्नीकी, SNEAKY, स्नीकी। कंसील, CONCEALED, कंसील्ड, स्नीकी, कंसील, छुपा हुआ, रहस्यमयी या मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, हिडन, छुपा हुआ, क्लैंडेस्टाइन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कैसे यूज करेंगे? वी आर ट्राइंग टू नो द क्लैंडेस्टाइन मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों का क्लैंडेस्टाइन मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, रहस्यमय मीनिंग। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, MERCY, मर्सी कह सकते हैं। काइंडनेस कह सकते हैं KINDNESS या माइल्डनेस, MILDNESS। मर्सी, काइंडनेस, माइल्डनेस, विनम्रता, दयालुता, क्लेमेंसी कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसको लर्न करना आसान है। अगर हम यहाँ पर देखिए मेंसी में अगर यहाँ पर हम आर बना दें तो मर्सी बन जाता है, दयालुता बन जाती है, दया बन जाती है। कैसे यूज करेंगे? क्लेमेंसी में होता है मर्सी, दया। आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर का एक पोएम है मर्सी, और उसमें कहा गया कि मर्सी इज नॉट स्टेंट, दया को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं क्लेमेंसी कैन नॉट बी फोर्स्ड, दया को फोर्स नहीं किया जा सकता है। इट जनरेट्स ऑटोमेटिकली इन आवर हार्ट्स, ये हमारे दिलों में अपने आप उपस्थित है। तीसरा हम सेंटेंस बना सकते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम्स ड्यू टू COVID-19 डिजीज वी आर ऑन द मर्सी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, हम लोग डॉक्टर और नर्स की दया पर टिके हुए हैं। क्लेमेंसी नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है क्लेमेंट, काइंड हो जाता है, और अपोजिट रहता है इनक्लेमेंट। अगर मौसम आपके फेवर में है तो कह सकते हैं कि इट्स अ क्लेमेंट वेदर, और मौसम अगर आपके विपरीत है इनक्लेमेंट। जैसे हम कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम द वर्ल्ड इज फेसिंग द इनक्लेमेंट एटमोसफियर ड्यू टू COVID-19 डिजीज, कैसा माहौल है? इनक्लेमेंट। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है ओस्टेड सेइंग, OERSTED, ओस्टेड सेइंग। ओस्टेड सेइंग मतलब होता है बहुत ज्यादा यूज होने वाली कहावत कह सकते हैं या आइडिया कह सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला आइडिया, या इसे हम सिंपल भाषा में प्रॉवर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रॉवर्ब। जैसे नथिंग इज गुड आर बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मैक्स इट सो, दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, विचार बनाते हैं। तो ये क्या है? ये एक ओस्टेड सेइंग है, ये हो सकता है आपने कम सुना हो, लेकिन एक सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या है? एक ओवर यूज सेंटेंस है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं दे आर कॉल्ड द क्लीशे कहलाते हैं, कहावत कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लीक। क्लीक का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप, एक्सक्लूसिव,
EXCLUSIV एक्सक्लूसिव ग्रुप, एक खास समूह। किसी खास समूह को हम क्लिक कहते हैं, विशेष समूह को इसे एक्सक्लूसिव ग्रुप कह सकते हैं, या हम एक तरह से कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। एक विशेष समूह, विशेष ग्रुप क्लिक कहलाते हैं। इसके देखिए बढ़िया से एक माइंड मैपिंग बना लीजिएगा कि इफ यू आर इन द क्लिक ऑफ योर कॉलेज देन यू आर एबल टू नो द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द कॉलेज, या इफ यू ज्वाइन माई क्लिक ऑफ इंग्लिश मास्टर यू विल एंजॉय वोकैबुलरी। अगर आप इंग्लिश मास्टर के क्लिक के ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो क्या करोगे, एंजॉय करोगे वोकैबुलरी। क्लिक को लर्न करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं क्लिक, कि अगर हम जैसे कि फेसबुक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्लिक, हमारा ग्रुप सामने आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कोलेस। कोलेस का मतलब होता है टू होल्ड टुगेदर का मतलब होता है एक हो जाना, इकट्ठा हो जाना। टू फ्यूज हो जाना, देखा होगा बिजली के वर्ड में फ्यूज होता है, जो एक मिला, फ्यूज हो जाना या यूनाइट हो जाना, मिल जाना, अमेल्टमेट हो जाना, मिल जाना, एक हो जाना कोलेस कहलाता है। और कोलेस वर्ब है, इसका नाम हो जाता है कोलिशन, गठबंधन कहलाता है। जैसे टू फॉर्म अ कोलिशन डिफरेंट पार्टीज कोलेस्ट इन अवर कंट्री, एक गठबंधन बनाने के लिए तमाम पार्टियां हमारे देश में कोलेस्ट हो जाती हैं, मिल जाती, एक हो जाती हैं। अगला है कोअर्स। कोअर्स का मतलब होता है टू फोर्स समवन, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ उस काम को करने के लिए फोर्स करना, व्हाट ही डज नॉट वांट टू डू, जो करना नहीं चाहता है, इसका मतलब होता है कोअर्स करना। जैसे अगर आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हो लेकिन अगर कोई आपको मजबूर कर रहा है, इट मींस ही इज कोअर्सिंग यू, वह आपको कोअर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो कोअर्स मतलब होता है किसी को कुछ ऐसा काम करने के लिए बाध्य करना, व्हाट ही डज नॉट वांट टू डू, ये वर्ब है। और इसको देखिए कैसे यूज करेंगे, Nobody can coerce me to do things what I don't want. यानी कोई भी मुझे उस काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जो मैं नहीं चाहता। लर्न कैसे करोगे, थोड़ी सी निमोनिक बनाते हैं। अगर यहाँ पर सी का यह बनाते हैं तो यहाँ पर कोर्स मतलब फोर्स मतलब फोर्स बन जाता है, तो कोर्स फोर्स बाध्य करना हो जाता है। अगला वर्ड आपका है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, convincing, convincing, या कह सकते हैं persuasive, 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 quotient का मतलब होता है convincing या persuasive, मतलब होता है किसी को मनाने वाला, समझाने वाला, quotient। जैसे अगर हम आपको एक अच्छा सा एक्सप्रेशन देते हैं जो आप हमारी बात को समझ जाते हो तो दैट इज कॉल्ड द कोजेंट एक्सप्लेनेशन। यानी हियर टू टीच दीज वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू गिव यू कोजेंट एक्सप्लेनेशन, इन शब्दों को सिखाने के लिए मैं आपको कोजेंट एक्सप्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोजेंट मतलब होता है कन्विंसिंग। इसको देखिए लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, अगर यहां पर ए बना ले हो जाएगा एजेंट, कि जो एजेंट होते हैं जैसे बीमा के एजेंट वगैरह होते हैं वो अपनी बात को कोजेंट कर लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल नॉलेज, MENTAL KNOWLEDGE, मेंटल नॉलेज, या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING, मानसिक ज्ञान या नॉलेज कॉग्निटिव कहलाता है। बच्चों कॉग्निटिव मतलब होता है एक ऐसा नॉलेज जिससे हम कुछ समझते हैं, वो हमारा कहलाता है कॉग्निटिव नॉलेज। जैसे विद द कॉग्निटिव नॉलेज द डॉक्टर्स
are trying to treat COVID-19 disease, अपने मानसिक ज्ञान से COVID-19 बीमारी को ट्रीट करने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेंटल नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग कहलाता है, कॉग्निटिव कहलाता है। जैसे यू मस्ट हैव अ कॉग्निटिव सेंस टू टेल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आपके पास कॉग्निटिव सेंस होना चाहिए बताने के लिए सही है क्या है और गलत क्या है। लर्न कैसे करोगे? कॉग्नि का मतलब होता है नो, यानी कि जानने वाला ज्ञान, और कॉग्निटिव का नाउन होता है कॉग्निशन। नाउन क्या बन जाएगा? कॉग्निशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, AWARE अवेयर कहलाता है। कॉन्शियस, CONSCIOUS अवेयर, कॉन्शियस, अलर्ट, वॉचफुल, विजिलेंट, होशियार, चौकन्ना, कॉग्निजेंट कहलाता है। जैसे इफ यू आर अ कॉग्निजेंट स्टूडेंट देन यू विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स। अगर आप कॉग्निजेंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत अवेयर स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले विद्यार्थी, तो आप इन सारे शब्दों को एक बार में ही याद कर लेंगे। कॉग्निजेंट मतलब अवेयर, होशियार, चौकन्ना। लर्न कैसे करोगे? यहाँ पर एक रूट है कॉग्नि, कॉग्नि मतलब नो, एट बना लो पर्सन, यानी वह इंसान जो कुछ जानता है, किसी के मामले में अवेयर होता है, वो कॉग्निजेंट कहलाता है। तो कॉग्निजेंट मतलब होता है होशियार, चौकन्ना। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर, HOLDING, होल्डिंग टुगेदर, एक हो जाना। और कैसे हो जाना? टू फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाने के लिए एक हो जाना, इकट्ठा हो जाना, कोहेरेंट कहलाता है। और कोहेरेंट बनाया गया है, एक वर्ब है कोहियर, इसका वर्ब है, मतलब होता है टू होल्ड टुगेदर, और कोहेरेंट आपका हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे अगर हम कहीं पर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ कोहेरेंट ग्रुप। कैसा बन जाएगा? एक कोहेरेंट ग्रुप। जैसे इन प्रेजेंट टाइम्स द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट ग्रुप टू फेस द COVID-19 डिजीज। COVID-19 को फेस करने के लिए कोहेरेंट ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों इसी भरोसे के साथ आपको ये वर्ड्स याद हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, और वोकैबुलरी पढ़ने का आपका इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा होगा। तो बस एक छोटे से इस भरोसे के साथ कि अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आ रहे होंगे तो आप इनको उन दोस्तों तक भी शेयर करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ इन शब्दों को, इन उन वर्ड्स को उन तक पहुँचाएँ हु वॉन्ट टू लर्न दीज वर्ड्स, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कुछ अच्छा करना है यू मस्ट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैब को इम्प्रूव जरूर करना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट टर्न पर आपका एक और वर्ड पावर 19 आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।